हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम 111 चैनल के ऊपर। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन। काफ़ी समय से वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, मैं नहीं ला पा रही हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने लिया था, आप सभी लोगों का जानना ज़रूरी है तो मैं बता ही देती हूँ, वरना अदरवाइज पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे कि क्यों बीमार हूँ, क्या है क्या नहीं है। हुआ ये था कि मैंने सैटरडे के दिन, सैटरडे को मेरा ऑफ था एंड आई गॉट वैक्सीन एट दैट डे। ठीक है, मुझे वैक्सीन लगा था सैटरडे के दिन, और वो वैक्सीन आई डोंट नो क्या था क्या नहीं था। जो मेरे और कलीग्स हैं, जो और लोग हैं, उन लोगों को भी लगा था, बट दे डोंट गेट एनी काइंड ऑफ सीवियर पेन और समथिंग, बट मुझे फीवर आया था। ठीक है, सो इट्स अ गुड साइन ऑल्सो। फीवर आना ज़रूरी होता है, अदरवाइज फीवर नहीं आता है तो आपको वैक्सीन प्रॉपर काम नहीं किया है ना, ऐसा होता है। तो आई वॉज पॉजिटिव अबाउट दैट थिंग कि हाँ चलो ठीक है, फीवर है, इट्स ओके। बट वो बढ़ता ही चला गया और मुझे फीवर 104 और 105 तक भी रहा है। बिल्कुल, मेरे घर वालों ने रात को बैठ करके मतलब गीली पट्टियाँ बदली हैं। ठीक है, तो मेरे साथ ये हुआ था। तो उसके बाद में काफ़ी वीकनेस आ गई और उसके बाद भी फ्रिक्वेंटली मुझे फीवर रहा। मैंने मेडिसिंस भी ली और मैंने बार बार एग्जामिन भी करवाया, मैंने टेस्ट भी करवाया, मैंने कोविड टेस्ट तक करवा लिया कि कहीं मुझे कोई कोविड का तो नहीं प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मुझे स्मेल भी नहीं आ रही थी, अभी भी नहीं आ रही है। मुझे बिल्कुल स्मेल नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, एकदम रूखी फीकी सी हो गई है ज़िंदगी। तो उसके बाद में मुझे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, इनफैक्ट अभी कल रात को भी मुझे फीवर था। फिर मैंने अभी कल परसों परसों शाम को मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया एंड आई गेट टू नो कि मुझे टाइफॉइड है। ठीक है, तो टाइफॉइड पहले से था, थोड़ा थोड़ा था वो, बट वो बन रहा था और इधर वैक्सीन लग गया तो वो ब्लास्ट हो गया। मतलब वो एक तरीके से कह सकते हो आपकी रिएक्ट हो गया वो अब बॉडी के अंदर ही। ठीक है, तो वैक्सीन की गलती नहीं थी, बट मेरी बॉडी में पहले से ही टाइफॉइड का थोड़ा थोड़ा था। ठीक है, तो उसकी वजह से हो गया। अब हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं, है ना। तो अभी भी टाइफॉइड तो है, फीवर भी आता है, कभी माइल्ड आता है, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट इट्स बियरेबल नाउ, बियर कर पा रही हूँ मैं। बीच में मेंटल कंडीशन भी मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी नहीं कर पा रही थी, ना मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना पा रही थी। बीच में थोड़ा ठीक हुई थी तो मैंने कल परसों पोस्ट करी थी आप लोगों के लिए वीडियो। तो बेसिकली ये हुआ था जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं कर पा रही थी। अभी काफ़ी ठीक हूँ, तो आप लोगों के लिए फ्रिक्वेंटली दोबारा दोबारा वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये बताना बहुत ज़रूरी था इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अभी बस थोड़ा सा टाइफॉइड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज हम लोग जानने वाले हैं कि करंटली आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, एंड इट इज़ कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है ये। नाइन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं वो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं वो, या फिर वो, हाँ दोबारा से फायर साइन आ गए दोनों। ठीक है, तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस कपल हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, और एक चीज़ अगर क्लियरली बताऊँ तो जोडियक्स के ऊपर ध्यान ना दिया करें। आप लोग कहते हैं तो मैं बता देती हूँ, अदरवाइज जोडियक्स के ऊपर ध्यान ना देके आप लोगों को इम्पॉर्टेंटली ध्यान देना चाहिए अपने अपने रेजोनेटिंग फिगर आउट चीज़ों के ऊपर कि कितना चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं आपसे। ठीक है, देखिए अगर क्लियरली बताऊँ तो ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोच रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसा हो सकता है कि इनको रात को नींद नहीं आ रही है, इनको सुकून नहीं है अंदर से, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही क्यों, वाई दिस ऑल हैपन विद मी, विद माई लाइफ, विद द
विद माई सेल्फ, लाइक समझ रहे हैं ना आप लोग, आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू. जो जो मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. तो क्लियरली अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव महसूस कर रहा है. इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों ये सारी चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ये सारा कुछ रिलेशनशिप में क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों परेशान हो रहा हूँ इतना ज़्यादा या हो रही हूँ. बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में. दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू. और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना पेरेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स की प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी सिनारियो हो सकता है. अब थर्ड पार्टी इज़ नॉट ऑलवेज लाइक अ गर्ल और अ बॉय जो कि आपकी पोजीशन ले रहा है, बट ये वो चीज़ है जो कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट कर रही है, ठीक है. अब ये करियर भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, परिवार, मदर फिगर, जो भी, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी घर वाले लग रहे हैं, ठीक है. देखो अगर मैं इन बताऊँ तो इनकी ज़िंदगी ना काफ़ी ऐसे गोते खा रही है और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे चल के इनकी लाइफ में होने क्या वाला है, ठीक है. दे आर लाइक पता नहीं अब कभी कुछ सही होगा भी या नहीं, या फिर ऐसे ही सब कुछ ख़राब होता ही चला जाएगा मेरी ज़िंदगी में. मैं इस ज़िंदगी में हूँ ही क्यों, इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इस ज़िंदगी में हूँ ही क्यों, मेरा मेरा क्या अस्तित्व है. ना मैं किसी को कमिटमेंट देने के काबिल हूँ, ना मैं अब आगे चल के पता नहीं शादी करने के काबिल हूँ, घर वाले पीछे पड़ रहे हैं और चीज़ें इतनी ज़्यादा मेरे हाथों से निकल रही है, लाइक मुझे समझ में नहीं आ रहा है व्हाट शुड आई हैव टू डू नेक्स्ट. दिल मेरा वहाँ पर्सन के पास फंसा हुआ है, दिमाग मेरा घर वालों के पास फंसा हुआ है. जिंदगी कह रही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ले, पेरेंट्स के पास चला जा, ठीक है. और दिल कह रहा है, मेरी खुद की फीलिंग्स, मेरा खुद का प्यार कह रहा है कि मेरे प्यार का क्या, मेरे पर्सन का क्या, ठीक है. इस वजह से ये परेशान है. करियर में भी मुझे ऐसा कुछ खास करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं. पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, करना चाहते हैं बहुत कुछ, ऐसी बात नहीं है, कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं ना कि जब दिल स्वस्थ नहीं होता है, दिल स्वस्थ नहीं होता है, मन स्वस्थ नहीं होता है आपका, आपका शरीर स्वस्थ नहीं होता है, तो आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता. तो आप एनर्जीज कैसे, आप कैसे क्या कर पाओगे आप, फिर आपकी एनर्जी ही बहुत ज़्यादा ख़राब है. तो ये बंदा भी बहुत ज़्यादा परेशान महसूस कर रहा है. जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, मेहनत बहुत ज़्यादा करना चाहता है इस रिलेशन को लेकर के भी, आपको लेकर के भी, अपने करियर को लेकर के भी, सबको लेकर के मेहनत बराबर की करना चाहता है, सबके साथ उठ बैठ करके सारी चीज़ों को सॉर्टेड करना चाहता है, बट कैसे करे उसको नहीं पता है. टोटली बेचारा फंसा हुआ है. इसके दोस्त भी इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे ही सही रिलेशनशिप है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी के अंदर रिलेशनशिप है, ना कि रिलेशनशिप से ज़िंदगी है. थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो, अच्छा सोचने की कोशिश करो, लेकिन ये इंसान कुछ भी अच्छा सोच नहीं पा रहा है अभी, ठीक है. इसको ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी ज़िंदगी से सारे रंग चले गए हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है, जैसे लाइफ जैसे कि धोखा सा दे रही है इसको और अब ये कुछ अच्छा कर नहीं पा रहा है, इसको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है. देन वी हैव प्रोजेक्शन. हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप से हो, ठीक है. कंडीशनिंग. फिर है हमारे पास सौरो. एंड देन वी हैव पास्ट लाइफ. गाइज देखो क्लियर सी बात है कि इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ठीक है. प्लेफुलनेस का कार्ड है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक. तो फॉर श्योर ये पर्सन आपके साथ इंजॉय करना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहता है आपके साथ, बट कैसे करे इसको नहीं पता, ठीक है. ये नई शुरुआत चाहता है आपके साथ, अपनी ज़िंदगी को नए नए तरीके से, नए विचारों से भरना चाहता है, बट कैसे इसको नहीं पता. दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ वो है पास्ट लाइफ, यानी कि इस पर्सन के साथ आपका पिछले जन्म का जुड़ाव है. पास्ट लाइफ से आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं और ये पर्सन है आपका या तो TF या फिर ये पर्सन है आपका सोलमेट, ठीक है. दूसरी चीज़, इसको ये चीज़ पता है कि आपके पास आने के लिए इसको बहुत सारी कंडीशनिंग से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी कंडीशंस लगेंगी तब जाकर के ये बंदा आपके पास आ पाएगा. ये कंडीशंस वो निभाए या फिर छोड़ दे या आपके पास आ जाए, क्या
क्या करे क्या नहीं करे, इसी सौरों में बैठा हुआ है, इसी दुख में बैठा हुआ है। तो ये सारी उसकी अभी करंट फीलिंग्स चल रही हैं। तो अभी चेक कर लेते हैं अपन कि इसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है? नेक्स्ट मूव तो देखो अभी कुछ होने नहीं वाला है, ठीक है? नेक्स्ट मूव तो ऐसे, जैसा कि मैं कहने भी वाली थी कि नेक्स्ट मूव अभी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये सब कुछ समय के ऊपर है, आपके मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के ऊपर है। सेवन ऑफ पेनिकल्स एंड एक कार्ड और निकालते हैं, ये वाला लेंगे एंड किंग ऑफ पेनिकल्स। अभी ये सिर्फ अपने करियर के ऊपर भी फोकस करना चाह रहा है, ठीक है? तो अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ये एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है या कुछ ऐसा। सच अभी कुछ एक्शन वगैरह के मोड में नहीं है बंदा, ना अभी एक्शन लेना चाहता है। अभी सिर्फ शांत बैठ करके तेल देखो तेल की धार देखो वाला एग्जाम्पल पूरा पक्का जच रहा है इनके ऊपर, ठीक है? अभी तो उन्हीं उन्हीं सब चीजों के अंदर है ये। अभी ये नहीं करने वाला है, ठीक है? अगर मैं क्लियरली बताऊं तो अभी कोई एक्शन नहीं लेने वाला है, सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देगा और आपको ऐसे ही मरमर के याद करता रहेगा, ठीक है? तो मैं इस वीडियो को टाइटल भी यही देने वाली हूँ कि ये बंदा मरमर के याद कर रहा है आपको, सही बताऊँ तो, ठीक है? यू ट्रस्ट मी, इनको इन सब चीजों का बहुत ज्यादा दुख है कि कितना ट्रस्ट करते हैं, या मतलब कितना ट्रस्ट करते हो आप लोग इस पर्सन के ऊपर, उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा, ठीक है? यू नेवर लेट मी फील लोनली। और इनको ये चीज भी है अंदर से कि यार उसने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दे, हर चीज में मेरे साथ खड़ी रही, हर चीज में मेरे साथ खड़ा रहा, और आज मैं क्या कर रहा हूँ। यू लव मी एंड यू आर फनी। तो जब से आपके साथ सेपरेशन में आए हैं वो हंसना भूल गए हैं, रोते रहते हैं हर वक्त, गुस्सा रहता है उनके मन में, फ्रस्ट्रेशन रहता है, ठीक है? एंड देन वी हैव यू कैन रीड माई माइंड, ओके? तो ये सारी चीजें वो सोच रहे हैं। लेकिन अगर क्लियरली बताऊं तो इस पर्सन के साथ आपका जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, देख रहे हैं आप, पास्ट लाइफ का कार्ड है। और ये बंदा जो है अभी बहुत ही ज्यादा सौरो फील कर रहा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव और सौरो फील कर रहा है। क्लियरली बताऊं तो बेचारे मरमर के जी रहे हैं अभी आपकी याद में, ठीक है? गाइज, इस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट करना शुरू कर दें आप लोग, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करें। चीजें धीरे धीरे ही सही बट होंगी जरूर। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि ये बंदा होप हार चुका है। आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू विल लाइक इट एंड एंजॉयड इट अ लॉट। इफ यस देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट डाउन बिलो योर सजेशंस एंड क्वेरीज। अपना अपना ध्यान रखिए। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ऑल फर्दर डिटेल्स आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके? अपना अपना ध्यान रखिएगा, कोविड से बचकर रहिएगा। बाय।